हेलो एवरीवन, वेलकम अगेन टू रणवीर दितिमन। तो देखिए, जिस तरीके से हमने बात कर ली थी कि थर्ड ग्रेड में लेवल 2 एसएसटी में, जो कि आपके 120 मार्क्स का पूछा जाएगा, उसमें मैंने आपको इतिहास के चैप्टर एनसीईआरटी की बुक से बता दिए थे कौन कौन से आपको पढ़ने हैं। उसके बाद मैंने भूगोल के भी बताए आपको और अर्थशास्त्र के भी बताए। नेक्स्ट हम बात करेंगे आपको राजनीतिक विज्ञान एनसीईआरटी की बुक में से कौन कौन से चैप्टर पढ़ने हैं, कौन कौन सी क्लास में। तो देखिए, नोट करते जाइए फटाफट से। क्लास 6 में पार्ट 3 है, सरकार क्या है, ये आपको पढ़ना है। पार्ट 4, लोकतांत्रिक सरकार के मुख्य तत्व। पार्ट 5 है, पंचायती राज। उसके बाद है पार्ट 6, गांव का प्रशासन। 7 है, नगर का प्रशासन, ये आपको पढ़ना है। 7th क्लास आपको नहीं पढ़नी है। नेक्स्ट देखें क्लास 8, पार्ट 1 है भारतीय संविधान। उसके बाद पार्ट 3 है हमें संसद क्यों चाहिए। पार्ट 4 है कानून की समझ। पार्ट 5 है न्यायपालिका। पार्ट 6 है हमारी आपराधिक न्याय प्रणाली, ठीक है। नेक्स्ट देखिए एनसीईआरटी की बुक जो है क्लास 9th, जिसमें है पार्ट 1 लोकतंत्र, पार्ट 2 है संविधान निर्माण, पार्ट 3 है चुनावी राजनीति, पार्ट 4 है संस्थाओं का कामकाज लोकतांत्रिक अधिकार। उसके बाद है क्लास 10th, उसमें केवल एक ही चैप्टर आपको पढ़ना है, पार्ट 2 संघवाद। उसके बाद देखिए क्लास 11 जो है उसमें से आपको कौन से चैप्टर पढ़ने हैं। तो यहाँ पर आपके चैप्टर 1 है संविधान क्यों और कैसे, तो संविधान के बारे में आपको बहुत अच्छे से यहाँ पर पता चलेगा। उसके बाद पार्ट 2 है भारतीय संविधान में अधिकार, तो यहाँ पर भारतीय संविधान के जो मौलिक अधिकार हैं वो आपको पढ़ने को मिलेंगे। पार्ट 3 चुनाव और प्रतिनिधित्व, ठीक है। नेक्स्ट देखिए पार्ट 4 है कार्यपालिका, पार्ट 5 है विधायिका, पार्ट 6 है न्यायपालिका। तो यहाँ आपको कार्यपालिका, विधायिका और न्यायपालिका, ये तीनों ही चैप्टर जो है वो आपको क्लास 11 की बुक में डिटेल में मिल जाएंगे। पार्ट 7 है संघवाद, तो संघवाद आपके बिल्कुल सिलेबस में जो जो दिया है उन्हीं की बात मैं कर रही हूँ, वही चैप्टर आपको पढ़ने हैं, ठीक है। नेक्स्ट है पार्ट 8 है स्थानीय स्वशासन, जिसमें पंचायती राज और जो नगर का प्रशासन है वो आपको डिटेल में मिलेगा। देखिए क्लास 6 है, क्लास 8 है और क्लास 9 है, तो यहाँ पर आपको जो है बहुत कम मिलेगा देखने को एनसीईआरटी की बुक में। वही आरबीएससी की यदि बात करें, आपने आरबीएससी पढ़ ली है तो जो पॉलिटी आपने वहाँ पर पढ़ी थी तो पॉलिटी देखिए समान रहती है, चाहे वो एनसीईआरटी की बुक हो चाहे वो आरबीएससी की बुक हो। लेकिन यहाँ क्लास 11th जो है उसमें आपको सिलेबस के अकॉर्डिंग जो है वो एकदम भरपूर मात्रा में यहाँ पर आपको लिखने को मिल जाएगा, जो भी बच्चे नोट्स बना रहे हैं, ठीक है। तो आपको पढ़ना ज़रूरी है, आपने आरबीएससी की पढ़ ली है तो एनसीईआरटी जो है वो पढ़ने में आपको कोई भी परेशानी नहीं आएगी। तो इस तरीके से आज हमने राजनीतिक विज्ञान की बात कर ली है एनसीईआरटी की। तो कमेंट में मैंने देखा था बच्चे कह रहे थे ज्योग्राफी के चैप्टर भी बताओ, कई कह रहे थे हिस्ट्री के भी बताओ। तो आपने जो है पिछले वीडियोज़ नहीं देखे हैं तो आप देखिएगा, जो आपके एसएसटी थर्ड ग्रेड में 120 मार्क्स का पूछा जाएगा तो वो सभी मैंने आपको बता दिया, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी और इकोनॉमिक्स, ठीक है। लेवल 1 के जो बच्चे बोल रहे थे कि उनके में जो एसएसटी का थोड़ा ही पोर्शन जो है वो पूछा जाएगा, तो इसके लिए आपको क्या करना है, एनसीईआरटी की जो क्लास 6, 7, 8 के मैंने जो चैप्टर बताए हैं तो उनको आप पढ़ें, इससे आपका जो है सिलेबस के अकॉर्डिंग जो है वो कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। लेवल 1 के, लेवल 2 के बच्चों के लिए डिटेल में मैंने आपको बता दिया है। तो इस तरीके से चैप्टर जो है वो पढ़ना आप स्टार्ट करें। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, थैंक यू।